अस्सलामुअलैकुम क्लासेस, दिस इज़ लेक्चर 18। सबसे पहले हमने आज अपना प्रीवियस काम टैली करना है। सो होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। मिक्स्ड एक्सरसाइजेस आपको दी गई थी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। नंबर वन सेंटेंस है, उस्ताद जुमात को अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू क्लास। ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। नंबर टू है, गरीब लकड़हारा दरख्त काट रहा था। रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, द पुअर वुड कटर वाज कटिंग द ट्री। कुआं नहीं चल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। किसने बताया हमें? रहा है। उर्दू डिग्री के लास्ट में अगर आपके पास क्या रहा है, रहा आ रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। द पर्शियन मेल इज नॉट वर्किंग। डू एज डायरेक्टेड में हमारे पास था, हमने विजिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करना था। विजिट इज विजिटिंग हो गया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट माय फ्रेंड सिंगुलर है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग सुटेबल हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेगेटिव केस, होप उछलना होता है। द फ्रॉग डैश ऑन टू द रिवर बैंक। द फ्रॉग वॉज नॉट होपिंग, क्योंकि नेगेटिव केस कहा गया था, हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया था। द सीमस्ट्रेस विल बी स्टिचिंग माई रेड ड्रेस। सीमस्ट्रेस कपड़े सीने वाले दर्जन को कहते हैं। क्या कह रही हैं कि वो मेरा रेड ड्रेस स्टिच सी रही थी, सिलाई कर रही थी। इंट्रोगेटिव में चेंज करना था, हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग में लिखा। विल द सीमस्ट्रेस बी स्टिचिंग माई रेड ड्रेसेस। एक्सरसाइज टू है हमारे पास, बच्चे क्यों रो रहे होंगे। रो रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव केस है हमारे पास। Why will the children be weeping? बकरियां खेतों में चर रही थी। Goats were grazing in the fields. चरना grazing होता है। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है। Present continuous tense है। Chef or cook is not cooking meal. Formation write करनी थी past continuous tense के interrogative case की। सबसे पहले helping verb was were use करेंगे, then subject, then first form of verb plus ing, then object and last में question mark. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के अफर्मेटिव केस में चेंज करना। आवर आर्मी विल बी डिस्ट्रॉइंग द सिटी। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट में मौजूद था, हमने उसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के अफर्मेटिव केस में चेंज कर दिया। एक्सरसाइज थ्री है हमारे पास, लड़की क्यों रो रही थी। वाई वॉज द गर्ल वीपिंग। रही थी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, औरत दूध उबाल रही है। द वुमेन इज बॉइलिंग द मिल्क। रही है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है हमारे पास। वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। दे विल नॉट बी किडिंग और जोकिंग। डू एज डायरेक्टेड हमारे पास है, चेंज इनटू नेगेटिव केस। हम सिंपली विल के बाद नॉट का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव केस में चेंज हो जाएगा। राइट फॉर्मेशन में फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के अफॉर्मेटिव केस की राइट करनी थी। सब्जेक्ट हाउ वर विल शेयर प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। लिटरेचर के हमारे पास आप वर्ड्स मीनिंग मौजूद हैं, आप लोगों को कंपोज नोट्स प्रोवाइडेड किए गए हुए हैं, ओपन करें। हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होम स्वीट होम के मौजूद हैं। हमने डिक्टेशन की है इससे पहले, उससे बाद हमने लू शीट सेंटेंसेस की हैं। आज हमारी जो है टर्न है वर्ड्स मीनिंग करने की। तो होम स्वीट होम के हमने आज क्या करने हैं, वर्ड्स मीनिंग करने हैं। सारे नहीं करेंगे आज, हमने सिर्फ आज 5 करने हैं, क्योंकि आज जो आपने एक्सरसाइज टैली की है उसे आपने लर्न भी करना है। क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक्स हुई हैं तो उन मिस्टेक्स को क्या करेंगे, आप उनको करेक्ट कर उन्हें याद करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास परकशन। परकशन नाउन है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मीनिंग है स्मैश, जरब। नंबर टू है क्लैंग, नाउन है ये भी, रिंगिंग, जनकार या खड़क। स्नॉटिंग एडवर्ब है हमारे पास, एंग्रीली, गुस्सीले अंदाज में। नंबर फोर मफल वर्ब है, टू म्यूट द साउंड, आवाज दबाना। अलॉफ्ट एडवर्ब है, अप इन द एयर, बुलंदी पर, हवा में। ये 5 वर्ड्स आज आपने लर्न करने हैं और इन्हें राइट भी करना है। ओनली 5 वर्ड्स डायरी में है और ऊपर वाला आपका काम मिस्टेक के करेक्ट करने के बाद उनसे लर्न करना है, ठीक है।